सर्दियों में तंदुरुस्ती के लिए, सेहत की भलाई के लिए आंवला एक बहुत ही बड़ी औषधि माना गया है। ये फल है, फ्रूट है, लेकिन सर्दियों का राजा ही है। दोस्तों, आंवले की आज एक ऐसी रेसिपी बना के तैयार कर रहे हैं जो सर्दी में बेहद ही ज़्यादा काम की है, और अगर आप गर्मी में भी खाएंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हमने लगभग कुछ आंवला ले लिया है और फटाफट से अभी इसमें हमने कांटे से कुछ छेद करने हैं। लेकिन सबसे पहले कढ़ाई रख लेते हैं, कुछ पानी डाल के उसमें स्टैंड रख लेते हैं, और तब तक जब तक पानी गर्म होता है कांटे की मदद से इसमें कुछ छेद कर लेते हैं। जितने भी आंवला आपके सामने रखें सब के सब में हमें छेद कर लेना है झटपट। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में एक दो में आपको छेद करके दिखा लेता हूँ, और उसके बाद वापस इसको कैसे पानी के ऊपर रखना है और कैसे आंवले को पकाना है वो आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, लगभग हमारा लास्ट आंवला है जिसके हम छेद कर लेते हैं। और अब वापस कढ़ाई में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक रख लेंगे बर्तन और एक एक करके सारे के सारे आंवला इसमें डाल लेंगे। ये देखिए, अब दोस्तों आपको इन्हें पकाना है तब तक जब तक ये अच्छे से थोड़े नरम ना हो जाए, इनकी जो ऊपर की परत है वो नरम ना पड़ जाए। कांटे की मदद से अंदर तक एयर चली जाएगी, गर्म स्टीम चली जाएगी और ये जल्दी पक जाते हैं। तो ये लीजिए, उबलते हुए पानी पे हमने इनको रखा, ऊपर से लगा दिया ढक्कन या लिड, और आप देखेंगे आपके आंवला जो है वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, हमने इसे 10 मिनट के बाद लिड को हटाया है और कुछ इस तरीके से हमारे आंवला दिख रहे हैं। फिर से ढक लेते हैं, अभी मुझे लगता है 2-4 मिनट और पकने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा पलट लेते हैं इनको, अगर कहीं से कुछ रह गया है, नीचे से ज़्यादा स्टीम लग रही है तो वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो आंवला आप देख सकते हैं रंग भी चेंज हो गया है, जहाँ इसका एकदम हरा रंग था अब ये थोड़ा पीला दिखने लगा है और पक चुका है, नरम हो चुका है। तो चलिए 5-7 मिनट और इसको ढक के और पका लूँगा अच्छे से। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट बॉयल भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पक जाता है, इसलिए हमने इसे ऐसे पकाया है, क्योंकि जब तक इसमें करारापन ना आए तो स्वाद थोड़ा सा कम रह जाता है। तो चलिए, हो गए हैं दोस्तों 5-7 मिनट, गैस को कर देते हैं फटाफट से बंद और अब इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपने इसको निकालने के बाद गैस बंद कर लिया और देखिए हमारे जो आंवले हैं वो कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। ऊपर की परत आप देख सकते हैं कैसे नरम पड़ गई है। अब दोस्तों, हमने एक कैटल ले लेनी है और कैटल में ये आंवला और कुछ चीनी डाल लेनी है, लगभग 1/4 कटोरी, और उसके बाद 1/2 कटोरी हमने पानी डाल देना है। ये देखिए, अब पानी डाल देते हैं और उसके बाद हमने इस आंवला को अच्छे से इसमें इस मिश्रण में पकाना है। पकाना कब तक है, जब तक ये नरम ना हो जाए, इसका रंग बदल के भूरा सा ना हो जाए, गुड़ के जैसा, और इसमें कुछ हमने ज़रूरत चीज़ें भी डालनी हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी लौंग और दालचीनी, इससे क्या है क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, थोड़ी बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है, चीनी का कड़कपन नहीं आता है। तो ये आंवला आपको अच्छे से पकाना है, धीरे धीरे जैसे ही ये चाशनी गर्म होने लगेगी आप देखेंगे कि इसमें झाग बनना लगेगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, खट्टापन होता है थोड़ा, और ये अच्छे से झाग बनने लगा है। धीरे धीरे आप देखेंगे आंवला नरम होता जाएगा, आंवले का रंग बदलता जाएगा और सुकड़ता जाएगा। पहले जब पानी में गया था तो थोड़ा सा फूला था हल्का बहुत, लेकिन अब ये थोड़ा सुकड़ता जाएगा, धीरे धीरे ये पीले से भूरा होने लगेगा। आपको इसको तब तक पकाना है, इस प्रक्रिया में आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे अच्छे से पकाने के लिए, और आप देखेंगे धीरे धीरे ये कैसे मुरब्बे में बदलता जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप देख लीजिए आंवला कैसे बढ़िया से तैयार हो रहा है। अब झाग थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ चुकी है और रंग आप देखेंगे थोड़ा सा भूरा पड़ने लगा है। लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं आंवला रखे हुए, और 15 मिनट के बाद ये कैसा दिखता है वो भी आपको झटपट दिखाते हैं। आपको इस आंवले को पकाते रहना है 20 से 25 मिनट ताकि इसका पूरा स्वाद जो है वो थोड़ा सा मीठा हो जाए, इसके गुण भी हमारे शरीर में ठंड के मौसम में मिल सकें, और खाते वक्त हमें ये ज़्यादा खट्टा भी ना लगे, स्वाद भी पूरा दे सकें। तो चलिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं इसका जो रंग है थोड़ा सा बदलने लगा है, इसकी चाशनी की मात्रा भी कम होने लगी है, और ये धीरे 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 पूरा का पूरा भूरे रंग का दिखने लगेगा। ये देखिए, ये लगभग अब हमें 15 मिनट हो चुके हैं
और इसका रंग गाढ़ा हो चुका है। अब ये पीला ना रह करके पीला और भूरा मिक्स हो चुका है। और चाशनी भी सफ़ेद से अब देखिए थोड़ा सा रंग इसका भी ब्राउन में चेंज होने लगा है। तो चलिए अभी हमें इसको 5 से 10 मिनट और पकाना होगा ताकि ये अच्छे से ब्राउन कलर का दिखने लगे। और उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया ब्राउन कलर का दिखने लगेगा। और हमें थोड़ा सा इंतज़ार और करना है, ये पूरा का पूरा भूरा हो जाएगा और उसके बाद हम इसे गैस से उतार देंगे। दोस्तों ये जो आंवले का मुरब्बा आज हमने बना के तैयार करा है ये बहुत ही स्वादिष्ट है। हेल्थ के लिए सर्दी में इसके जितने भी आपको फ़ायदे बताऊँ उतने कम होंगे। ये स्वाद के साथ साथ सेहत का राजा माना जाता है। ठंड में शरीर की इम्यूनिटी से लेके शरीर को मल्टीपल विटामिन और मिनरल्स देने की क्षमता रखता है। कैसी लगी आपको ये हमारी आंवले के मुरब्बे की रेसिपी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए ये सर्दी के राजा आंवले का तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं चलता हूँ, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।